जानते हैं साहब, हम मजदूर हैं। हमारा ना कोई धर्म है और ना ही कोई जाति। हम बिहार से भी हैं, बंगाल से भी हैं, झारखंड से भी हैं और उत्तर प्रदेश से भी हैं। ऐसा हम अपनी बात बता दें कि आज हम दिल्ली में कभी फंस जाते हैं, कभी लखनऊ में, कभी पंजाब में, कभी मुंबई। हर जगह हमारी हालत बहुत ही ख़राब है। हमारे बारे में सोचने वाला कौन है? ठीक है, ये कोरोना आ गया है, लॉकडाउन है, लेकिन हमारे और हमारे परिवार के बारे में, हमारे भूख के बारे में, हमारी ज़रूरत के बारे में कौन सोचता है? क्योंकि हम मजदूर हैं भाई, हम मजदूर हैं। हमारी भी सुनो, हमें भी घर जाना है, अपने लोगों के बीच जाना है। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम अपने घर में कई दिनों से बंद हैं, न खाने के लिए कुछ है, न ही कहीं जाने के लिए। अब तो सारा पैसा भी खत्म हो गया है। हम अपनी सरकार से भी गुहार लगाते हैं तो हमारी सरकार कहती है कि नहीं, अभी प्रदेश के लिए इन लोगों को लाना ठीक नहीं, शायद उनकी भी कुछ मजबूरी होगी, इसलिए वो हमें नहीं लाना चाहते हैं अपने प्रदेश में, अपने घर में। हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो कई जगहों पे फंसे हुए हैं, क्योंकि हम मज़दूर हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। हमारी बात होती है तो सिर्फ उस समय जब चुनाव आता है। हमारी बात होती है तो सिर्फ उस समय जब बड़ी बड़ी लोग अपनी दानवीर दिखाते हैं, दानवीरता दिखाते हैं कि मैं उन्हें ये कर दूँ, उनके लिए ये कर दिया। हमारी बातें होती हैं उस समय जब बड़े लोगों को अपना कोई बड़ा सा काम करवाना होता है। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, ना हमारा कोई धर्म है, ना हमारी जाति है, ना ही कोई मजहब है। हम फंसे हुए हैं अपनों अपनों के साथ। हमारे साथ अब्दुल भी है, रहमान भी है, गफूर भी है और ईशान भी है। हम आपस में नहीं लड़ते हैं। हमें कहीं से एक रोटी मिल जाता है तो हम बांट कर हम सब खा लेते हैं, क्योंकि हम मज़दूर हैं भाई। हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, इन मज़हब में अपने आप को नहीं बांट पाते, इन नफ़रत की आग में हम अपने आप को नहीं झोंक पाते। हमारी भी सुनो, हम मज़दूर हैं भाई, हम मज़दूर हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।